Hello friends, boys and girls, देवी और संजनों, ladies and gentlemen, अभी बज रहा है सुबह का 5:50 और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका पीछे एक बहुत नादन सा क्या कहें उसको, रीज़न है। ठीक है, ये रीज़न कुछ ऐसा है कि मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, मतलब पहले बना लिया। ठीक है, तो अभी जो है मुझे उस वीडियो का स्टार्टिंग, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको बनाना चाहिए था, मैंने नहीं बनाया। लाइट के लिए माफ़ी मांगूंगा क्योंकि अभी सुबह होने वाला है। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ गंगा के किनारे, ठीक है, मतलब घाट के पास, तो वहाँ जाके मैं बनाऊंगा इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, द फर्स्ट ब्लॉग, और चलिए अब मेरे साथ चलिए। तो अभी जो है मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और मुझे बस पकड़ना है या तो ऑटो पकड़ना है, कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत टाइम से खड़ा हूँ।想把自己放进冰箱，但下一天没人住它。我来帮你试杯，试杯，试杯，试杯，感受凉爽。就是现在，我们是时候放大招了，让每个试杯 ，Oppo Reno 为你疯狂。试杯的可乐，啦啦。अभी का जो सीन है, मैं जा रहा हूँ घाट के पास, और आप लोगों को पता नहीं चला कि ऑटो चेंज हो गया। सॉरी फॉर द जर्किंग। कलकत्ता का रास्ता फिलहाल बहुत ही अच्छा है, तो इस कारण से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस मिलता है। मैं फर्स्ट ऑटो लेके आया उल्टाडांगा स्टेशन, और वहाँ से सेकंड ऑटो लेके मैं जा रहा आपके पास। ठीक है, जो भी पूछिए, तो वहाँ से हमको पैदल जाना पड़ेगा घाट के पास। ठीक है, अभी है खन्ना में, खन्ना मोड़ मिलते हैं। कुमोरटुली के पास, कुमोरटुली बहुत लोग इसका नाम सुना होगा, सुने होंगे, आई एम वेरी सॉरी। और ये जो मेरे पीछे सरस्वती देवी का मूर्ति बनाने का प्रोसेस ऑन गोइंग है, ठीक है, बन रहा है, तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग के बाई तरफ जो है, मतलब इसके अंदर, इसके पीछे कुमोरटुली पड़ता है। ठीक है, और हम लोग जो जा रहे हैं तो कुमोरटुली को क्रॉस करके उसके बाएं तरफ जो घाट है, उस घाट के पास हम जाएंगे। उसका नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखो, लोगों को दिखाता हूँ मैं, और आगे बढ़ते हुआ ठंडा ज़्यादा कुछ नहीं है, 16 डिग्री के आसपास है, विच इज़ क्वाइट ऑसम फॉर कोलकाता। कोलकाता में ठंडा इस बार बहुत ज़्यादा पड़ा था, मतलब था, अभी नहीं है, ठीक है, पड़ा था। तो हम लोग जो है ना, हम लोग का जो प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग महंगे महंगे स्वेटर खरीदते हैं, जैकेट्स खरीदते हैं, फिर पहनने का मौका नहीं मिलता है, पहन ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ये देखो सुबह सुबह, आग में सेक रहे हैं लोग, क्योंकि ठंडी का टाइम है, आग में सेकने में बहुत मजा होता है। बॉन फायर चल रहा है उधर, बॉन फायर चल रहा था, और सब बढ़िया है। तो मैं जो व्लॉग पहले शूट किया था और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं बना पाया, उसका कुछ रीज़न था। कुछ रीज़न मतलब ऐसा कि मैं जो व्लॉग बनाने चाह रहा था वो था 31st का नाइट कैसा रहता है कोलकाता में, तो वो वाला व्लॉग मैं बनाना चाहता था। तो मैं बनाने गया और जो हैपनिंग वाला चीज़ होने वाला था, मुझे लगा था कि होगा, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत ही ख़राब लगा, इस कारण से मैं वो थोड़ा बहुत तो शूट किया,
ठीक है, और इतना भीड़ था कि माइक दम तोड़ दिया, मतलब माइक ने दम पूरा तोड़ दिया, माइक बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था वहाँ पर, बहुत ही शोर था, बहुत ही भीड़ था। और ना ये एक चीज़ जो जिस कारण से ब्लॉग मैं नहीं बना पाया भीड़ के कारण से, और उसको कंट्रोल कर रहा था हम लोग का कोलकाता पुलिस ना, उन लोग को सैल्यूट है इस बात का कि उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे थे उन लोग। तो चीज़ ऐसा हो गया कि ऐसा था चैनल जैसा बना दिया था, ठीक है, तुमको चैनल के अंदर से ही जाना पड़ेगा, उसके आगे तुम पीछे या तो दाएं या बाएं कहीं तरफ तुम नहीं जा पाओगे। तो इस कारण से मेरा जो फ्रेम था, फ्रेम मेरे को नहीं मिल रहा था। अब फूट फूट पहन के गया, मेरे साथ मेरा दोस्त था। देखे अब देखो बाद में देखो, देखो पहले ये वाला बात सुन। और उसका ऐसा हो गया कि मेरा पूरा मूड बिगड़ गया। अब मूड बिगड़ जाने पर क्या होता है तो आप लोगों को भी शायद से मालूम है। 10-15 तो शॉट लिया मेट्रो में, शॉट लिया मेट्रो से, मतलब मेट्रो के अंदर शॉट लिया, मेट्रो से निकलने के बाद शॉट लिया, पास स्ट्रीट घुसने टाइम शॉट लिया, 42 का शॉट लिया, बहुत कुछ शॉट लिया, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ का शॉट लिया। एक्चुअली में जो शॉट लेना था मेरे को, ठीक है, जो हैपनिंग वाला चीज़ मैं सोच के गया था कि हो सकता है, और वैसे कुछ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और मेरे को जो है बहुत ख़राब लगा, दुख पहुँचा, इधर दुख पहुँचा, इधर बहुत दुख पहुँचा। तो मैंने क्या सोचा, तो ठीक है चलो, उसमें बातें जो किया मैंने वो अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इस कारण से उसका साउंड को मैंने अबंडन कर दिया, मतलब बंद कर दिया प्रोजेक्ट। तो मैं मतलब वो ब्लॉग जो है, ब्लॉग को मैं अबंडन नहीं कर पाता क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है कि 31st नाइट वाला सीन मैं कैप्चर करूँगा, कैसा होता है, कितना मज़ा होता है उसमें, कितना लोग एंजॉय करते हैं, लाइटिंग कैसा रहता है, म्यूज़िक कैसा रहता है, सब कुछ था, ठीक है, सब कुछ था। पर जो हैपनिंग वाला चीज़, मतलब बार बार एक ही बात मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को ना ये मेरा 31st नाइट फर्स्ट टाइम था। उसके पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि यहाँ से आप मेरे पीछे की तरफ जो लाइन देख रहे हो, ठीक है, आगे चलते हुए इधर जा रहा है, मतलब उल्टा भी जाता है, ठीक है, डाउन और आप एक ही लाइन का होता है, ये चक्रडेल कहा जाता है, यहाँ का चक्रडेल, ये चालू होता है आगे दमदम से, ठीक है, और ख़त्म होता है दमदम पे, मतलब ऐसे घूम के आता है, ठीक है। तो इस कारण से इसका नाम है चक्रडेल, मतलब दमदम से इधर होके खिदिरपुर होके आपका माजेरहाट होके उसके बाद बालीगंज होके ये फिर दमदम में मिलता है। और मेरे सामने जो है वो उसका सीन कुछ ऐसा है, उसका सीन कुछ ऐसा है, रेलगेट के उस पार, रेलगेट के उस पार ये है हम लोग का गंगा, गंगा मैया। इसका तो नींद हो गया, मेरा रात का नींद मैंने ख़राब कर दिया, मेरा रात का नींद मैंने ख़राब किया इस कारण से कि मेरे को ना इंट्रोडक्टरी पर जब तक मैं नहीं बना पा रहा था तब तक मेरे को बहुत खराब लग रहा था कि भाई मैंने इंट्रोडक्टरी पर नहीं बनाया तो मैं ब्लॉग डालू कैसे, मतलब फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट इम्प्रेशन है, ठीक है, मैं सोच लिया कि एक भी लाइक नहीं मिलेगा, ठीक है, लाइक जो होता है वो जीरो आएगा, लाइक नहीं आएगा, यही सोच के मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो ब्लॉग में लाइक ना मिले उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट ब्लॉग है, मेरा दोस्त लोग जिन जिनका चैनल है वो लोग ये कह रहे थे कि भाई जीरो लाइक मिलेगा ये सोच के तुम वीडियो डालो, देखो क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वीडियो डालो, वीडियो डालते जाओ, कंटेंट बनाते जाओ, ठीक है, अपना एक क्या बोलते हैं उसको, अपना एक ये देखो पेटे पेट में है, मतलब पेट के अंदर है, मुंह से नहीं बाहर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जो किया कि मैंने सोचा, ठीक है, तो आज है 2nd जनवरी, आई एम वेरी सॉरी 2nd जनवरी, थोड़ा सा नर्वसनेस इसी कारण से आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट ब्लॉग है, इसी कारण से
थोड़ा सा ज़्यादा ही नर्वस हो गया, माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ। तो हाँ, जो पॉइंट पे हम थे, भूल जाता हूँ, मतलब बात बात में हम भूल जाते हैं कि मैं काफ़ी मैं इस बारे में बात कर रहा था। यहाँ का सीन थोड़ा दिखा देता हूँ, सभी सभी चीज़ जो मैंने बोला सभी का आंसर आपको मिलेगा, पर थोड़ा सा वेट कर देगा सीन लेकर। What a wonderful view, पूरा धुंधला धुंधला सा है, पूरा फॉगी है वेदर। उधर एक मर्चेंट शिप शायद से खड़ा है। पानी देखोगे, पानी ये देखो, पानी है, पानी में फ्लो बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक्सरसाइजेस योगा चल रहा है। ये एक मंदिर है, मंदिर तो नहीं, इसको एक्चुअली क्या होता है, ये एक घाट है। तो हम जहाँ पे थे, सीन कुछ ऐसा होने के कारण से, ब्लॉग ख़त्म नहीं कर पाने के कारण से, मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को दूसरी टाइप से हम बनाते हैं। मतलब पहले तो बहुत इच्छा था कि, मतलब एक सीन ऐसा भी है, वो वाला वीडियो में आप लोगों को दिखेगा कि मैं कुछ बोल रहा था एक जगह खड़ा होके, और मेरा दोस्त जो है वो मेरा कैमरा पकड़ रहा था, पर साउंड नहीं होने के कारण मैं उसको म्यूट कर दिया, मतलब गला दबा दिया उसका, ठीक है, और आँख खुला था उसका। तो मैंने सोचा कि मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो अलग से बनाऊंगा, मतलब कुछ ऐसा करूंगा जहां से मैं अपना बात सब कुछ बोल के, मेरा उस दिन का जर्नी क्या था सब कुछ बोलने के बाद मैं वो वीडियो डालूंगा। तो सीन अभी का ये है कि कल रात मैं, मतलब कल पूरा दिन मैं सोचने में लगा दिया, ठीक है, पूरा दिन लगा दिया। दोपहर को थोड़ा सो गया था, और दोपहर को सोने के कारण से मेरे को रात को ना नींद नहीं आता है, बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि बढ़िया, नींद नहीं आ रहा था, मैं सोया 3:30, 4:30 और 5 बजे मेरे दिमाग में मिंटस वाला आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि मैं अभी रेडी शेडी होके निकल जाता हूँ, मोबाइल पे मैं ब्लॉग करता हूँ, बोलने भूल गया मैं कि मैं मोबाइल में ब्लॉग करता हूँ। तो मैं रेडी होके निकल गया, मैंने रेडी होके निकल जाऊँ, गंगा के पास जाऊँ, गंगा वाला सीन जो है उसको कैप्चर करूँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाऊँ, और उसके बाद उसको एडिट करके उस वाले ब्लॉग के साथ जोड़ के एक साथ में ब्लॉग बनाऊं। मतलब टोटल जो ब्लॉग होगा 2 दिन का होगा, तो बीच में एक दिन स्किप हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए बढ़िया है। और अभी जो है मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, चलिए चाय पीते हैं।想把自己放进冰箱，但下一天没人煮它。我来帮你十杯，感受凉爽。就是现在，我们是时候放大招了，让每个十杯 OPPO Reno 为你疯狂。अभी मैं हूँ शुभा बाजार जेटी, शुभा बाजार जेटी में, ये है शुभा बाजार जेटी। जेटी सर्विस अभी तक बंद है, चालू नहीं हुआ, चालू होगा, चलिए इसका एक बार टूर ले लेते हैं। वैसे तो मैं आना चाहा था वो वाला जो घाट है उसमें जाने का प्लान था, पर जेटी देखने के बाद, जेटी इतना खाली मेरा दिल किया यहीं पर मैं अपना ब्लॉग शूट करूं। तो पानी के बहुत बहुत ही नज़दीक हूँ मैं अभी, बहुत ही नज़दीक हूँ, और यहाँ का नज़ारा जहर वाला नज़ारा है, ठीक है। तो कहाँ थे हम थे कि उस दिन का ब्लॉग का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है पिनाक चौधरी। 31st night को मैं घर से निकलने के बाद मिला शुभोजीत से, मेरा जो दोस्त मेरे साथ
वो वाले वीडियो में होंगे। एक्चुअली में शॉर्ट हो गया है। उनसे मैं मिला, उनसे मिलने के बाद मैं उसको आइडिया बोला कि भाई देखो आज से मैं व्लॉग करना चालू कर रहा हूँ, तो मेरा साथ देना, सहारा देना, मेरे को सपोर्ट करना। तो उसने 100% सपोर्ट दिया था, सच्चे में दिया था, जितना वो दे सकेगा उतना वो दिया था। वो दिखा नहीं पाए हम, अलग बात है, पर दिया था वो। तो वहाँ से निकल के, मतलब मेरा घर से निकल के बस स्टैंड में उसके साथ मिलने के बाद हम लोग ऑटो पकड़ के आए उल्टाडंगा स्टेशन, जहाँ मैं आज उतरा था फर्स्ट वाले जो ऑटो था वहाँ से, उससे मैं जहाँ पे उतरा उसी सेम जगह में उतरा था। वहाँ से फिर एक ऑटो लेके हम लोग गए शोभा बाजार सुतानूटी स्टेशन, जहाँ पे वो क्रॉसिंग वाला एक सीन था वहाँ पे। वहाँ से मेट्रो लेके हम लोग गए थे पार्क स्ट्रीट। फिर कतई जहर था, बहुत जहर था, भीड़ में सर्वाइव करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो 42 का एक शॉट लिया जाए। तो मैं थोड़ा एक मार्ट जैसा जगह था, मैदान, उसमें आके 42 का एक अच्छा खासा शॉट लिया। वो दिखेगा आपको, दिखेगा। और उसके बाद हम लोग चल पड़े रोड क्रॉस करके, पार्क स्ट्रीट में एंट्री की, एकदम एंट्री किया हम लोग। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट वहाँ पर बनाया था छोटा करके, बहुत ही छोटा, कितना सा, आज का तो बहुत बड़ा है, पर उस दिन का इतना सा था, मतलब मैं पूरा बोलता था वहाँ पे, मैं सब कुछ बोलने वाला था, पर हो नहीं पाया। फिर हम लोग ने सोचे कि नहीं चलो शॉट लेते जाए और वीडियो को म्यूट कर देंगे और उसमें म्यूजिक डाल देंगे। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा नर्वस उस दिन आज से ज़्यादा था, भीड़ इतना ज़्यादा था कि नर्वसनेस और भी बहुत अल्टीमेट था। ठीक है, आज का तो भीड़ ही नहीं है इसलिए नर्वसनेस थोड़ा सा कम है उस दिन से, पड़े है थोड़ा सा, 0.1% होगा तो है। ठीक है, तो वहाँ से पार्क स्ट्रीट में हम लोग पहुँचे करीब करीब 8 बजे और पार्क स्ट्रीट से निकले 9 बजे। हम लोग ने उबर बुक किया, उबर बुक की करके हम लोग जाने वाले थे व्हाट्सअप कैफ़े। ठीक है, व्हाट्सअप कैफ़े जो है, मतलब एक ही है कलकत्ता में, व्हाट्सअप कैफ़े एक ही है, मतलब ब्रांच कोई नहीं है उसका, तो वो है लेक रोड में। लेक रोड मतलब दूसरा किसी दिन लेके जाएंगे, उस दिन आप लोग को पता चल जाएगा। तो लेक रोड में उतरने के बाद हम लोग व्हाट्सअप कैफ़े में गए, लिफ्ट में चढ़े, वो है एक्चुअली में वो है टेरिस पर। ठीक है, तो पूरा चढ़ा, चढ़ने के बाद निकले लिफ्ट से, निकलने के बाद काउंटर पे गए, जाने के बाद पता चला कि कपल लोग के लिए, मतलब पूरा साल उन लोग का कोई एंट्री नहीं रहता है, मतलब एंट्री फ़ी कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, पर उस दिन के लिए खतरा वाला फ़ी था एंट्री के लिए। ठीक है, कपल लोग के लिए 5000 और सिंगल वाले जैसे हम लोग सतलौंडा, सिंगल वालों के लिए था 3000 पर हेड। तो हम लोग ने, मतलब हम लोग ने पूछे नहीं, हम लोग के सामने जो थे, जो ग्रुप थे, उन लोग ने पूछा था। हम दोनों सुनने के बाद पीछे मुड़ के लिफ्ट में चढ़ के वापस नीचे आ गया, पूरा वापसी कर दिया। वहाँ से 5 से 7 मिनट पैदल चलने के बाद, तभी टाइम हो रहा था 10 बजने में, 2-3 मिनट बाकी था। पैदल 5-7 मिनट चलने के बाद एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट आता है, उसका नाम है द सैफ्रॉन ट्री। तो हम लोग सैफ्रॉन ट्री में गए, खाना ऑर्डर किए, खाए, बहुत ही अच्छा खाना था। आपको फ़ोटो आएगा, अब फोटो क्यों आएगा, क्यों वीडियो नहीं आएगा, व्लॉग है वीडियो आना चाहिए, वीडियो नहीं आके क्यों फ़ोटो आएगा। फ़ोटो इस कारण से आएगा कि मेरा जो फ़ोन है, मैं पूरा दिन, मतलब लास्ट वाला दिन मैं इतना बिजी था, मतलब उसी वाला दिन 31st डे में मैं इतना बिजी था कि मैं चार्ज ही नहीं कर पाया फ़ोन को, और मेरा फ़ोन मैं 20% चार्ज लेके घर से निकला था। जब मैं सैफ्रॉन ट्री में घुसा उसके बाद मैंने देखा कि बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, मतलब 2% चार्ज है। तो इस कारण से मैंने अपने फ़ोन से जितना हो सका फ़ोटो लिया, फ़ोन को स्विच ऑन करके मैंने फ़ोटो लिया, और खाना खा के हम लोग आ गए, हम शूट नहीं कर पाए। आई एम वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैं वो वहाँ का एम्बियंस दिखा नहीं पाया। बहुत अच्छा था, जहर वाला अच्छा था, मैं रेफ़र करूँगा बहुत ही लोग को। वैसे एक्चुअली में व्हाट्सएप कैफ़े भी बहुत अच्छा था, इसी कारण से व्हाट्सएप कैफ़े चूज़ किया गया था, पर सीन वैसा होने का, इतना जहर वाला दामी होने के कारण हम लोग को गाड़ी बाद में अच्छी ना था।
इस कारण से हम लोग को प्लान चेंज करके द सैफ्रन ट्री में आना पड़ा। अगर सैफ्रन ट्री भी फ्लॉप कर जाता तो हम लोग कहीं और प्लान करते। तो सैफ्रन ट्री से निकलने के बाद, मतलब सैफ्रन ट्री के अंदर बैठ के हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट किए, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग 12:30 बजे निकले वहाँ से, रात को निकल के उबेर मोटो बाइक वाला ब्रूम वो वाला बुक करके, मतलब दोनों बुक किया था करके, हम लोग गए प्रिंसेप घाट, जो कि ये ही गंगा का और एक घाट है, बहुत ही दूर है और इस तरफ जाना पड़ता है उसके लिए। प्रिंसेप घाट के जाने के बाद, प्रिंसेप घाट में जाने के पहुँचने के बाद हम लोग को रोका गया इस कारण से कि 1 बजे तक खुला था, सिर्फ 1 बजे तक, उसके बाद हम लोग घुस नहीं पाते। मतलब ऑफिशियली आप 1 बजे तक प्रिंसेप घाट में रह सकते हो, सॉरी 1 बजे नहीं, दोपहर को 1 बजे से रात के 11 बजे। और हम लोग जब पहुँचे थे तभी सवा एक, मतलब 1:15 AM टाइम चल रहा था। तो हम लोग को रोका गया वहाँ पर, जो सार्जेंट थे, जो गार्ड्स थे, सभी ने रोक लिया हम लोग को। तो हम लोग ने ठीक है चलो क्या करें, और चलते चलते नेक्स्ट वाला जो घाट आता है बाबू घाट में आए, बैठे मैं और मेरा दोस्त, गप्पे मारा, बहुत अच्छा टाइम बिताया हम लोग ने। वो 1 जनवरी का नाइट बहुत अच्छा था, ठीक है, मतलब बहुत ही, मतलब होता है ना ऐसा कुछ चीज़ें रिग्रेट करने वाला, ऐसा कुछ चीज़ें मतलब जो हर बार मेमोराइज करें हम लोग, ऐसा कुछ बातें जो करना चाहिए दोस्तों के साथ करना चाहिए, कि अच्छा था जो भी था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग और थोड़ा पैदल जाने के बाद, मतलब और थोड़ा नहीं और 1.5 घंटा हम लोग चले थे, क्योंकि कोई उबेर नहीं मिल रहा था, ओला नहीं मिल रहा था, रैपिडो नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था, ऐसा हाल हो गया था। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं होता है। अच्छा बाइक वाला नहीं मिलता है अलग बात है, ठीक है, पर जो गाड़ी है वो मिलता है, पर उस दिन नहीं मिल रहा था। तो हम लोग चलते चलते पहुँच गए हाथी बागान, और पैर का जहर वाला दर्द हो रहा था। तो फिर वहाँ पे हाथी बागान में, मतलब रास्ते में आते आते हम लोग चेक कर रहे थे कि गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो गाड़ी नहीं मिल रहा था। तो हाथी बागान में पहुँचने के बाद जब चेक किया हम लोग, तो गाड़ी मिल गया था। हम वहाँ से गाड़ी बुक किए और घर आके सो गए। मतलब ऐसा सोए कल, मतलब 2 तारीख को दोपहर 1 बजे मैं नींद से जागा। इसके अंदर, मतलब बीच में, मतलब मैं जब घर पहुंचा रात को, तभी बज रहा था 4:30 या तो 4:45, फिक्स टाइम याद नहीं है। पहुंचने के बाद मैं सो गया, और वो 5 बजे से नेक्स्ट दिन का दोपहर का 1 बजे तक क्या सीन था मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम। तो इस कारण से ये 2 दिन का ब्लॉग बना, ठीक है, थोड़ा लेट हो गया। मैं सोचा था कि 1 तारीख को रात में, मतलब तभी मेरे को डालना था, पर नहीं हो पाया, ठीक है, क्षमा मांग लेता हूँ मैं, ओके। और सभी जो मेरे इंस्पिरेशन, जिन जिन से मुझे मिलता है, ब्लू बाइकर, MS के ब्लॉग्स, जट प्रभजोत, सत्या सागर, सभी ब्लॉगर से, और भी बहुत 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 सारे हैं, ठीक है, सभी से मैं एक ही चीज़ दुआ करूँगा कि सब मेरे को ब्लेस करें कि मेरा चैनल बन पाए सही से। बाकी सब बढ़िया है, चल रहा है अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कोलिग्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए, मतलब ट्रैवल वाला वीडियो जल्द से जल्द मेरे चैनल पे देखने के लिए। आप सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन के बाद जो ऐड वाला बटन आता है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन डाल दीजिए। टिल देन बी सेफ, राइड सेफ, ट्रैवल सेफ।